सितारगंज में सरकारी भूमि पर हो रहे निर्माण के विरोध में ग्रामीणों का धरना। दरअसल सितारगंज के ग्राम डोहरा सिसई खेड़ा में सरकारी भूमि पर भू माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज ग्राम डोहरा सिसई खेड़ा के दर्जनों ग्रामीण तहसील सितारगंज में पहुँच कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाने के मामले को लेकर SDM सितारगंज मिल संबंधित ज्ञापन सौंपने पहुँचे, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि SDM ने संबंधित शिकायती ज्ञापन लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने न्यायालय जाने को कहकर टाल दिया, जिससे ग्रामीण भड़क गए और तहसील परिसर में ही धरना प्रदर्शन करने लगे। वहीं SDM विनोद कुमार का कहना है कि डोरा सिसई खेड़ा में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत पहले भी मिली थी, जिसमें पहले निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया गया था। आज फिर ग्रामीणों ने शिकायत की है कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। मौके पर हल्का पटवारी व कानूनगो को भेजा गया है। ग्रामीणों की शिकायत सही पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। सिसई खेड़ा के ग्रामीण द्वारा पहले भी एक शिकायत की गई थी, तो उस दौरान प्रशासन की तरफ से वहाँ पे जो निर्माण हो रहा था उसको ध्वस्त कर दिया गया। बीच में इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी, जो आदमी काम बना रहा था उसका काम शायद नए तहसीलदार द्वारा रुकवा दिया गया था। अभी इनका कहना है कि वो फिर निर्माण कार्य कर वहाँ पे मौके पे संबंधित कानून और पटवारी को भी भेजा है। अगर और 2.5 साल हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डोरा और मतलब सिसई खेड़ा पट्टी है, सरकारी जगह है, उसमें घूम वहाँ के कागज हैं, सरकारी जगह है, भू माफियों ने कब्जा कर रखा है। तो फिर आप बताइए क्या सरकारी जमीन है, रास्ते की जमीन है, जिसमें भूमाफियों ने कुछ लोगों को बेच दिया। उसमें क्या है कि अब लोग उसमें कब्जा कर रहे हैं सरकारी ज़मीन पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर SDM के पास, DM के पास, कई लोगों के पास आए, शासन के पास गए, प्रशासन के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं, क्योंकि वहाँ आज भी निर्माण हो रहा है, आज भी दीवारें बन रही हैं, शासन प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप इसको अच्छी तरह से शासन के खिलाफ़ इसके बारे में बताएँ, जिससे हमारी समस्या का सॉल्यूशन हो सके और हमारा जो रास्ता है वो क्लियर हो सके। हमारे रास्ते की ज़मीन की दबाई जा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं।